हेलो दोस्तों दोस्तों ये जो फैटी लीवर की बीमारी है ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें धीरे धीरे करके लीवर में फैट जमा होने लगता है। इसका जो मेन कारण है इसमें एक आता है शराब पीना, इसके अलावा कुछ मेडिसिंस होती है उनसे भी लीवर में फैट जमा हो सकता है। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन की वजह से लीवर में फैट जमा हो सकता है। दोस्तों आज की डेट में ज़्यादातर लोगों को अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से फैटी लीवर की परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि लाइफस्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां होती है जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या हमारे ब्लड में जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है वो धीरे धीरे करके लीवर में जमा होता है और ये एक फैटी लीवर का कारण बन जाता है। इस बीमारी को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं और जब ये बीमारी एक्सेस शराब पीने की वजह से होता है तब इसे अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज कहते हैं। दोस्तों जब 5% से ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है लीवर में तब हम उसे बोलते हैं फैटी लीवर, और साथ ही साथ लीवर का साइज भी काफ़ी बड़ा हो जाता है जिसे मेडिकली हेपाटोमेगली कहा जाता है। दोस्तों इस अवस्था में लीवर ठीक से काम नहीं करता है, लीवर फंक्शनिंग में काफ़ी दिक्कत आ जाती है एक्सेस फैट डिपॉजिट होने की वजह से। तो इस फैटी लीवर का 3 स्टेज होता है, स्टेटोसिस, स्टेटोहेपेटाइटिस और सिरोसिस। स्टेटोसिस ये एक सिंपल फैटी लीवर स्टेज होता है। इस स्टेज में लीवर की कोशिकाओं में कई सूजन नहीं होती और बिल्कुल भी सालों साल तक कई नुकसान नहीं पहुँचाता। लेकिन नैश या नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस इस कंडीशन में लीवर में धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं। जब धीरे धीरे लीवर में सूजन आती है तब रेशे पड़ने लगते हैं जिसे स्कैरिंग कहते हैं, और करीब 15 से 20 साल में पूरा का पूरा जो लीवर है वो स्कार हो जाता है जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी अवस्था बहुत ही कम लोगों में होती है, मान के चले तो सिर्फ 1% लोग हैं उनमें ही ऐसी अवस्था पहुँचती है। जैसे कि मैंने कहा कि ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें करीब 30% लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की बीमारी हो सकती है, और कुछ लोगों में जिन लोगों को मोटापे की समस्या है, जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल, जिनको डायबिटीज, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ऐसे में करीब 60% लोगों में फैटी लीवर की बीमारी हो सकता है। अगर हम इसका लक्षणों की बात करें तो इनिशियल स्टेज में इसका कोई लक्षण होता ही नहीं है। बहुत ही कम लोगों में राइट साइड के अपर एब्डोमेन पर दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है जो कि इस बीमारी से हो सकता है। इसके अलावा अन्य कई लक्षण बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं जब लीवर पूरी तरह से फेल हो चुका होता है। अब दोस्तों इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो पहला स्टेज है स्टेटोसिस और सेकेंड स्टेज स्टेटोहेपेटाइटिस, इन दोनों स्टेज तक तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा। लेकिन ये जो थर्ड स्टेज होता है सिरोसिस, यहाँ से पेशेंट को रिटर्न होना लगभग नामुमकिन जैसा है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट दोस्तों वही है जो हम हमेशा कहते हैं कि हेल्दी डाइट लेना चाहिए, सुबह कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना चाहिए, ज़्यादा रिच या ऑयली फूड बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए, और इसके साथ साथ व्हाइट राइस, रेड मीट, केक, कोल्ड ड्रिंक ऐसे फूड आइटम्स को छोड़ देना ही बेहतर है लीवर को स्वस्थ रखने के लिए। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच।